हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, हरियाणा में एक नई भर्ती निकली है, नर्स डाटा सहायक इंजीनियर वन और आयु 18 से 42 साल है, निःशुल्क भर्ती है और इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी पहले, ये उसी वीडियो का पार्ट टू है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए ये वैकेंसी थी जिसमें मैंने बताया था कि ये फार्म 20 रुपये का है दोस्तों, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक है। और ये बताया था कि ये फार्म मैंने जिस साइट से डाउनलोड किया, जिस साइट से उठाया है, उस साइट पे फार्म आपको 20 रुपये का मिल रहा है ठीक है। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या है दोस्तों कि एक भाई ने वीडियो बनाई है, एक यूट्यूबर है, बड़ा अच्छा यूट्यूबर है और हरियाणा का मैं मानता हूँ कि नंबर वन यूट्यूबर कह सकते हैं उसको। और उस भाई ने वीडियो बनाई है कि झूठ बोल के आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं, राजेश की खुद की वेबसाइट है और वो अपने पैसे बना रहा है और हर बार ऐसे ही करता है। ठीक है भाई, मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। एक बात ये बताइए कि आप यदि 8 पेपर 30 रुपये के दे सकते हैं, ग्रुप डी के 8 पेपर जो फोटो खींचे हुए हैं ठीक है, और यदि मैं वही पेपर आपकी आप 8 दे रहे हो, मैं वहाँ पे 80 पेपर आपको यदि 30 रुपये में दे रहा हूँ, तब आपको ये बात नज़र नहीं आई कि राजेश भाई सही काम कर रहे हैं ठीक है। तब आपको ये नहीं लगा कि आप 8 पेपर की PDF 30 रुपये में दे रहे हैं। यार आप कुछ अच्छे समझदार हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप ऑनलाइन यूट्यूब के साथ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप किसी का चैनल बनाने के लिए 1000 रुपये चार्ज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात बताइए, यदि मैं अपनी मेहनत से एडिट करके 80 पेपर यदि मैं 30-35 रुपये में दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। जब आप 8 पेपर 30 रुपये के 25 रुपये के दे सकते हैं तो उसमें आपको फॉल्ट क्यों नहीं लगा ठीक है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये राजेश की खुद की वेबसाइट है, तो दोस्तों मैं जो साइट आपको दिखाने वाला हूँ साइट पे आपको लेके चलता हूँ ठीक है। ये है दोस्तों vacancyform.com, यहाँ पे देखिए vacancyform.com, तो इस साइट पे चलते हैं एक बार। यार कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया कर क्या बोल रहे हो। यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों आज की नहीं है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, इसमें भी आपको मिल जाएगा वो लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं vacancyform.com ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए vacancyform.com और ये सिंगल प्रकाशन रजिस्टर्ड है दोस्तों, इनकी वेबसाइट है ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये रही ये वैकेंसी है जो मैंने आज आपको बताई है दोस्तों वीडियो में ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप लास्ट डेट यहाँ पे है, यदि आप डिटेल डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से हो जाती है, यदि आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप 20 रुपये चार्ज देके ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप इस साइट से करो या ना करो ठीक है ना। दूसरा, मैंने जो डिटेल डाली है मैं मेरी साइट पर लेके चलता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ पे उसी वीडियो के नीचे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और दूसरी बात यार, मैं तो उनको ये नहीं पता कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो कि किस चीज़ में क्या प्रोग्राम, आप साइट नहीं बता सकते साइट किसकी है ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल प्रोवाइड कर रखी है। अब यदि आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, और ये लिंक उसी वेबसाइट का है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो मैं इस पर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये राम बाबू अग्रवाल है जिनकी ये वेबसाइट है दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये सिर्फ एक फार्म नहीं बेच रहे, यहाँ पे 864 प्रोडक्ट और है दोस्तों। यहाँ पे देखोगे तो आप, मैं आपको स्टोर दिखा देता हूँ इनका, इनका काम स्पेशल वेबसाइट का है और फार्म ही बेचते मेरे भाई ये। यहाँ पे देखिए सारे फार्म ही फार्म है मेरे भाई और सारे पैसे में दे रहे हैं, लेकिन आप डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप किसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि बेरोजगार के आप पैसे लूट रहे हैं। यार मैं कैसे पैसे लूट रहा। दूसरा यार, अपनी मेहनत के पैसे हम ले रहे हैं, जैसे मैंने पेपर यदि मैं 40 पेपर 80 पेपर आपको दे रहा हूँ 30-35 रुपये में, तो मेरा हक है यार, मैंने मेहनत की है। आप यदि 8 पेपर 25 रुपये के दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता यार, मैं तो आपको 80 पेपर मैं 35 रुपये के दे रहा हूँ, आप 8 पेपर 25 रुपये के दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, आप खुद समझदार हैं,
और शायद शायद क्या, जब वो कैंडिडेट मेरी वीडियो देखता है, मेरी वीडियो डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ करता है, तो उसको ये नहीं पता कि मैं उसको कॉपीराइट दे सकता हूँ, मेरा कंटेंट यूज़ कर रहा हो, मेरा नाम है उस वीडियो में, ठीक है ना। और दूसरा, यदि मैं गलत भी हूँ तो यार आप शायद रूल है ये किसी का कि आप दिखा नहीं सकते, आप किसी का नाम नहीं ले सकते, और यहाँ तो हम गलती नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ इसलिए है यदि आप, मैंने एक वीडियो एक दो वीडियो आप, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ, लेकिन यार जड़ मत भाई, रीस कर, आप अच्छा काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ आपकी वीडियो देखता हूँ, और आपकी वीडियो देखने से मेरी भी एक आधी वीडियो बनती है भाई, लेकिन आप तेरी तरह हम बदनाम नहीं करते किसी को, ठीक है ना। तो दोस्तों बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी, अब आपको सच्चाई और झूठ आपके सामने है, ठीक है ना, आप कमेंट करके फैसला जरूर कीजिए। और वहाँ पर स्पेशली बड़े बड़ा घोटाला किया जा रहा है यार, क्या घोटाला यार, घोटाला तो हम रोक नहीं सकते जो कर रहे हैं घोटाला, ठीक है ना, और कह रहे हैं कि विरोध करे, आंदोलन करवा दे भाई, चलो ठीक है भाई, हाँ।